तो फ्रेंड्स यहाँ पर MI ने अपना MIUI 9 लॉन्च कर दिया है ग्लोबली, जहाँ पर आप इसके फीचर को यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी एक्साइटिंग और न्यू फीचर हैं। तो चलिए मैं आपको इसके पूरे फीचर बता देता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है MI ड्रॉप, जहाँ पर अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर सामने वाले बंदे के पास भी MIUI 9 हो तो आप इसको सिंपली उससे शेयर कर पाएंगे। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसके वीडियो फॉर्मेट को, कई सारे और वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, आप हिडन भी कर सकते हैं अपनी वीडियो को। और यहाँ पर नेक्स्ट फीचर जो है वो है आपका किसी भी एक मूवी के आपके पास 3 क्लिप हैं तो आप उसको एक में कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली सेम बैकग्राउंड की तरह आप उसको रिमूव कर सकते हैं MIUI 9 की मदद से। यहाँ पर स्टिकर भी आपको कई सारे मिल जाते हैं, यहाँ पर आप स्टिकर का बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से आप इसमें स्टिकर भी लगा सकते हैं अपनी पिक्चर में, वो भी ईजिली। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन, जो कि सैमसंग और कई फ़ोनों में आपको पहले आ चुका है, बट यह आपको MIUI में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। डबल क्लिक करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, ऐप वॉलेट लाइक है शॉर्टकट की तरह, जहाँ पर आप अपने किसी भी ऐप को शॉर्टकट की तरह रख सकते हैं, उसको डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई सा भी ऐप रख लीजिए, चाहे तो आप ओला का ऐप रख लीजिए, जहाँ से आप डायरेक्टली उसको बुक कर पाएंगे ओला कैब। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है डुअल ऐप का, जहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे डुअल व्हाट्सएप, डुअल फेसबुक, डुअल मैसेंजर और हाइक भी डुअल यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है वो है यूनिवर्सल रिमोट, अगर आपके में IR ब्लास्टर सपोर्ट करता है तो आप इसका यूज़ कर पाएंगी। इस फ़ोन में आपको कई सारी थीम मिल जाएगी MIUI 9 में, जो कि उनकी ऑफिशियली तरफ से आएगा। और यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए MI कार्ड मिल जाता है, जहाँ पर अपने SMS कॉन्टैक्ट और फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नए एनिमेटेड आइकन मिल जाएंगे MI 9 में। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है नोटिफिकेशन, जहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आपको WhatsApp का रिप्लाई दे सकते हैं, जो कि सैमसंग ने पहले ही कर चुका है। और यहाँ पर होम स्क्रीन में भी आप एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं कोई ऐप को। और यहाँ पर साइलेंट मोड में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, साइलेंट और DND में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, साइलेंट में आपको पता ही है। और ऑलवेज डिस्प्ले का ऑप्शन 8 घंटे तक मिल जाता है। यहाँ पर कैलेंडर में कई सारे कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है आपके कोई भी ऑप्शन। और यहाँ पर सेकंड स्पेस, यानी आपके पास जितनी फिंगर आपके फ़ोन में अटैच हो सकती हैं आप उसके हिसाब से अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्क्रोलिंग स्मूथ, यानी आप जब भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप उसको उसी टाइम पे एडिट करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब अगर आपके पास कोई ट्रेन बुक का SMS आता है तो ये आपको एक कार्ड की तरह दिखाई देगा, जो इफेक्टिवली अच्छा दिखता है। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसमें आपको कई सारी एक साथ ऑडियो चला सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग स्पीड इस अपडेट के बाद। और यहाँ पर जो टेस्ट किया था MI ने सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro के साथ, तो यहाँ पर MIUI 9 ज़्यादा फास्ट निकला। और यहाँ पर सिस्टम में आप काफ़ी सारा ऑप्टिमाइजेशन किया है, चाहे वो लॉन्चिंग स्पीड में हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड प्रोसेस में हो, चाहे वाईफाई स्पीड में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कम्फर्टेबल प्राइस है MIUI 9 के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MI 9 ग्लोबली स्टेबल रूम किस किस के लिए कब कब आने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सौरभ फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।